सैफ अली खान बन गए हैं नागा साधु। उनकी अगली फिल्म लाल कप्तान का फर्स्ट लुक सामने आया है जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हे गाइस, मैं नम्रता। नवाब सैफ अली खान पहली बार कुछ इस तरह के अवतार में नजर आने वाले हैं और ये रीसेंट लुक उनकी फिल्म लाल कप्तान का है, जिसका ऑफिशियल लुक मेकर्स ने ट्विटर पर रिलीज किया है। और इस पोस्टर में सैफ अली खान का लुक नागा साधु का है और फर्स्ट लुक के साथ कैप्शन में लिखा गया है काफी इंटरेस्टिंग सी चीज। जी हाँ, कैप्शन में लिखा है, राख से जन्मा राख हो जाने को। और सैफ के लुक में इस लुक में उनको पहचान पाना काफी मुश्किल लगता है। फिल्म लाल कप्तान एक रिवेंज ड्रामा फिल्म है जिसमें सैफ अली खान अपने बदले के मकसद में कहानी को आगे बढ़ाएंगे। लाल कप्तान का डायरेक्शन नवदीप सिंह कर रहे हैं और ये इसी साल 6 सितंबर को रिलीज होगी। सैफ अली खान के इस लुक की जो चर्चा है बहुत तेज तब हुई जब फिल्म के सेट से उनकी पहली तस्वीर लीक हो गई थी और इस तस्वीर में वो काफी ज्यादा अलग नजर आ रहे हैं। सैफ का ये लुक हॉलीवुड कैरेक्टर जैक स्पैरो से मिलता जुलता है। आपको बता दें कि सैफ अली खान को अपने इस लुक में आने के लिए करीब 2 घंटे तक यानी कि मेकअप करना पड़ता था। लाल कप्तान की शूटिंग राजस्थान के भी कई हिस्सों में की गई है। फिल्म में सैफ अली खान ऐसे नागा साधु का किरदार निभा रहे हैं जो बदला लेना चाहता है और एक ब्रिटिश सैनिक को जान से मार देता है। फिलहाल आपको सैफ अली खान का ये लुक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट के लिए बी विद देसी फीड।